उसका प्रूफ देने में, इसलिए आपको आपत्ति है? बिल्कुल, हम तो बता चुके हैं, ये कोई बिहार की बात नहीं है, ये तो पूरे देश की बात है। गरीब गुरबा तबके के लोग, अगर हम ही से पूछिएगा, तुम अपने माँ का बर्थडे जान रहे हैं? आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पूछ लीजिए, भाई पहले इन सब चीजों पर कहाँ कोई ध्यान देता था, और गांव देहात में तो इन चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो इसलिए इन चीजों को क्या जरूरत है, और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या पता? तो अननेसरी नहीं दिया तो वो भी लिखा हुआ तो क्या फायदा उसे, उसे क्या मतलब है? मतलब नहीं देना देना जरूरी नहीं है, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, तो अरे लेना ही क्या जरूरत है, पूछना ही क्या जरूरी है? तो ये एक बात है, जरूर हम लोगों की आपस में बातचीत, यानी आज की बातचीत नहीं है, ये हम लोगों की अलग से बातचीत है। सब देखिए, ये सब प्रदेश का अपना अपना निर्णय, सीए बन जाता है तो ये कोई स्टेट का है कि जरा हमको बता दीजिए, एक्ट का समर्थन करना या एक्ट का विरोध करना सबका अपना अपना काम। लेकिन आप अगर कहिएगा कि हमारे यहाँ है अधिकार राज्य को, ये देखिए बिना मतलब की बात हो रही है। और अब जबकि उसके बारे में लेकर के ओपिनियन अलग अलग है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो भाई ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस पर तो निर्णय हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको क्या जरूरत है इतना ज्यादा वातावरण इस तरह का क्रिएट करने का, और क्या आवश्यकता? हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि लोगों को इन सब चीजों को भी रखना चाहिए ध्यान में, कि कहीं समाज में कुछ ऐसा वातावरण नहीं पैदा करें जिसमें एक परिस्थिति बहुत ही एक अलग किस्म की पैदा हो जाए देश में, तो वैसी परिस्थिति नहीं पैदा हो, एक एकता की और जिसको कहिए आपसी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए, सद्भावना का माहौल रहना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा। वो तो अपनी अपनी बात है, किसी को भी डेमोक्रेसी है, देखिए उस पर हमें कुछ नहीं कहना, इसलिए हम नहीं कुछ कहना चाहते कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना लोगों का तर्क है। लेकिन जब ये कानून पास हो गया और वो केंद्र सरकार की चीज है, और जब वो कानून पास हो गया और उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट ही है कि कोई सही है या गलत है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसका निर्णय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। इसलिए लोगों को इन बातों को समझना चाहिए। देखिए अकारण इतना ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं, हम हर पक्ष के लोगों को कहेंगे, हम लोगों का भी जो ओपिनियन है तो हम लोग तो अपना ओपिनियन प्रकट करते हैं। और एक बात जो आज की बात थी जो हुआ कि ये जो सेंसस है, जनगणना है, ये कास्ट बेस्ड होना चाहिए, और बिहार से ये रिकमेंडेशन और ये आग्रह, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब उत्तर हो रहा था तो हमने कहा था, अनुरोध किया था कि लोक विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ये पारित हो कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, 1931 के बाद अब तक नहीं हुआ है। और इसके लिए फरवरी 2019 में विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों में संकल्प पारित हुआ, और इसकी सूचना हम लोगों ने केंद्र में जिनका दायित्व है जनगणना का वहाँ भेजा भी गया है। तो हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, हमारे बिहार के असेंबली और काउंसिल का यूनैनिमस रिजोल्यूशन है, संकल्प है, और हम लोगों ने उसको भिजवाया भी है, और हम लोग इस राय के, हम लोगों के पार्टी की भी ये राय है पूरे तौर पर, जिसको हम लोग पुनः प्रकट हमने किया है विधानसभा में भी, और आज भी हम लोगों के पार्टी के मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है। और जो सेंसस होना चाहिए 1931 के बाद नहीं हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और उसे पता चलेगा समाज में, अब जो सभी किसी भी धर्म को मानने वाले उनका हो जाता है सेंसस गिनती, उसके बाद एससी एसटी का, जिस किसी भी जाति या कैटेगरी के उसका भी गिनती हो जाता है, तो बाकी जो बचे हुए सामान्य कैटेगरी वाले या पिछड़े वर्ग के लोग, उनके बीच में भी एक कास्ट का सेंसस हो जाएगा, तो
तो पूरी जानकारी होगी, और उसमें कोई भी काम आप उठाते हैं तो जनगणना की जानकारी है, तो समाज में हाशिए पर जो है उसको मुख्य धारा से लाने के लिए जो कदम आप उठाएंगे उसके लिए और क्या क्या करना है, कितना हमको इसके लिए संसाधन की और ज़रूरत पड़ेगी, इस काम को पूरे तौर पर हमको क्रियान्वित करना, उससे बहुत उसमें सुविधा मिलेगी। अब 2011 में कुछ बाद में इन लोगों ने एक सर्वे जैसा काम किया, वो तो प्रकाशित नहीं हुआ इसलिए कि उसमें वो काम ही नहीं हुआ। मेन जो सेंसस हुआ उस सेंसस में जाति आधारित नहीं किया गया था, उसके अलावे ऐसे ही एक और दूसरा कर लिया था, उसे कुछ पता नहीं चला, और दूसरा किया तो करीब कई तरह की गलतफहमियां भी थी। इसलिए मूल तौर पर सेंसस हो जनगणना हो वो जाति आधारित हो जाए एक बार इस बिहार इस देश में, तो ये हम लोगों की एक राय है। आज उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ भी बातचीत किया है, उस पर बिहार के लड़का।